अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मान्य 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश 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 यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी आपको संबोधन करें। हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और हम लोगों के बीच में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, इनका भी ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी घेरेबंदी की है कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। और संडीला में भी जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई सुनील अरकवंशी जी, इनका छड़ी चुनाव चिन्ह है, इनको जिता देना आप लोगों से अपील है। और माननीय अखिलेश यादव जी जब से निकले हैं पश्चिम से और पूरब तक, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किलेबंदी की है बीजेपी, इसीलिए तो परेशान है। माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से गठबंधन किया है और माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, बीजेपी को कोई किराए पे भी सुनने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी फ्लॉप हुई है और तीसरे चरण तक जिस तरीके से बीजेपी का सफाया हो चुका है और चौथे चरण में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज संडीला विधानसभा राजेंद्र यादव जी जनपद चुनावी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और मंच पे विराजमान गठबंधन के नेतागण, यहां से प्रत्याशी भाई सुनील अरकवंशी जी,
जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, दिखा भाई ये चुनावी सभा बा, चुनावी कार्यक्रम बा, और चुनावी कार्यक्रम में यहां का चुनाव चिन्ह का बा? जोर से बोला नहीं, और जोर से दोनों हाथ उठा के बोला, छड़ी छड़ी पर वोट देवा, छड़ी पर वोट देवा। माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल लगातार मिलेगी। आप बताओ कितने लोग 5 साल बिजली फ्री चाहते हो? 5 साल चाहते हो? दूसरा काम क्या होगा? जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दी जाएगी। जातिवार जनगणना जिसकी कोई गिनती नहीं उसकी गिनती हो जाएगी। बताओ कितने लोग गिनती कराना चाहते हो? गिनती कराना चाहते हो? और अगला कदम क्या होगा ये बताओ कि योगी मोदी जी के ललका सांड से के परेशान बा? इससे निजात चाहते हो आप लोग? कितने लोग निजात चाहते हो? अपने अपने पड़ोस में अपने बगल में बताओ कि देखो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो आपको योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात मिलेगी। अब भाजपा बसपा सपा आप बताओ यहां आए हुए लोगों कांग्रेस पार्टी लड़ाई में बा का? बोलो लड़ाई में बा? नहीं बा। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में बा का? नहीं बा। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के कमरे में तय होता है और सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे मिलता है समाज पार्टी का। और आप बताओ हम आपसे पूछना चाहते हैं महंगाई से के परेशान बाहियां? महंगाई के लिए अलबा? जोर से बोला महंगाई के लिए अलबा? और जोर से बोला नहीं आवाज नहीं आवा था। और जोर से बोला मोदी अभी भाजपा के लोग आवत हुआ वोट मांगे और वोट मांगे कहतवन कि हिंदू खतरे में बा। अरे भाई कहने वाले लोगों देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मुसलमान कहता कि इस्लाम खतरे में तब तो बात मनती। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब हिंदू के नेता सरकार उनकी और हिंदू खतरे में। 60 साल तक हिंदू खतरे में नहीं था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदू खतरे में है। इस नाते इनकी विदाई, इनकी विदाई, भारतीय जनता पार्टी की विदाई, कितने लोग चाहते हो इनकी विदाई करना? हाथ उठाओ, विदाई करना चाहते हो ना? देखो अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए थे पश्चिम, उन्होंने भाषण दिया कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। हम भी गए मेरठ, हम भी मेरठ गए। जब वहां जाने के बाद हमने इसी तरह की भीड़ देखा तो वहां जब मैंने कहा कि नौजवानों हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी नौजवानों की गर्मी निकाल रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर नौजवानों मन बनाओ माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर हम लोग भर्ती निकाल देंगे ताकि नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलने लगे। तो बताओ कितने लोग भर्ती चाहते हो? चाहते हो ना? और दूसरा काम देखो, दूसरा काम क्या है? हमारे बाबा योगी जी इस 16 पेपर कराए 16 लीक हो गया,
लीक हो गया कि नहीं लीक हो गया? हम लोग चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर जवन इनकर पेपर लीक बा ई लीकेज बंद कर देवल जाए। कितना लोग चाहते हुआ कि इनका लीकेज बंद हो जाए। एक बदे नौजवानों रेस बढ़ाओ और दौड़ में जितने लोग आगे जाओगे पुलिस पीएससी में भर्ती करा दी जाएगी माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना करके। आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस समय बड़ा बढ़िया भाषण दे रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, आए गरीबों तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ हम अच्छे दिन ले आएंगे। और जब बुरा दिन चल रहा था तो गैस सिलेंडर 400 रुपए में था, अब अच्छा दिन आ गया का रेट में बा 1000। जब बुरे दिन था तो सरसों का तेल 400 रुपया लीटर था और अच्छा दिन 50 रुपया लीटर, और अच्छे दिन आ गए तो 200 रुपया लीटर, और जो अरहर की दाल 55 रुपया केजी थी आज वो अरहर की दाल 125 रुपया केजी हो गई, जो पेट्रोल 60 रुपया था वो 100 पार, जो डीजल 55 रुपया था वो 97 पहुंचा दिया, जो मोटरसाइकिल 50,000 में मिलती थी उसे 90,000 पहुंचा दिया। यही अच्छे दिन है। आए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये अपना अच्छा दिन ले लो तुम और हमारा बुरा दिन लौटा दो, हम लोग जी खा लेंगे, हमको अच्छा दिन नहीं चाहिए। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप बताओ चुनाव चिन्ह का है खड़ी? तो भाई देखो बगल के हमारी मलिहाबाद विधानसभा सटी हुई है और ये सीतापुर के जितनी विधानसभा सीटें हैं सभी विधानसभा सीटों पर हमारे भाई जिनके भाई सुनील अर्कवंशी जी, इनको चाहने वाले लोगों हमारे बगल में जितनी विधानसभा सीट है सभी हम अर्कवंशी समाज आरक्ष समाज से कहूंगा एक एक वोट, यहां तो आप छड़ी पर दोगे, मिश्रिक में छड़ी पर दोगे, शेष सीटों पर साइकिल पर मुहर लगा करके आप विजयी बनाने का काम करोगे। साथी जो हमारी बगल की सीटें हैं बताओ ये काम अपने अपने रिश्तेदारी फोन करोगे कि नहीं करोगे? ये मनोज जी देखो मिश्रिक से आए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये भी वहां छड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों आगे हमारे साथी भाई यहां इजहार अली जी जो चुनाव प्रभारी हैं, महेंद्र राजभर जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जीतू वर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सौरभ अर्कवंशी जी, राममूर्ति अर्कवंशी जी, आमन अमान खान जी, शकील खान नदवी जी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राजपाल कश्यप जी एमएलसी, मिस बहाउद्दीन जी एमएलसी, रफीक गाजी जी, रई संसारी जी वो चेयरमैन संडीला, हसन मकवी जी, राधिका पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महिला मंच, शाहिद जाफरी जी सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। श्री शकील खान जी जो पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश, इन्होंने संडीला में भी काफी मेहनत किया है, मेरठ में भी किया, ये हमसे बातचीत होती रहती है, काफी ये संघर्ष कर रहे हैं। तो आप बताओ कितने लोग अपने अपने रिश्तेदारी फोन करके संदेश दोगे? अपने अपने बगल की सीटों पर जहां साइकिल का चुनाव चिन्ह है वहां साइकिल, जहां छड़ी का चुनाव चिन्ह है वहां छड़ी। और आपको बता दूं साथियों तीन चरण का चुनाव हो चुका है, तीन चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है, बेमतलब कई चिल्ला थे वहां सर। और लखनऊ आते आते आप देख लेना माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लखनऊ मंडल आते आते इधर हम लोग 200 पार कर जाएंगे, पूर्वांचल तो बोनस में रहेगा जहां हमारा इलाका है। आप बताओ आज के बाद
आपके यहाँ 23 तारीख को वोट पड़ेगा, 23 को वोट पड़ेगा ना, तो चुनाव चिन्ह का है? कितने लोगों को पता है, जरा हाथ उठाओ, छड़ी है ना उधर भाई, आप लोगों को पता है कि नहीं? उधर हेलीकॉप्टर देखने वाले पता है ना? तो अपने अपने रिश्तेदारी, अपने अपने भाई अली चौधरी जी, मोहम्मद कफील जी, श्री राजेश राजभर राजपूत जी, शिक्षा मित्र अध्यक्ष जिलाध्यक्ष धर्म सिंह सैनी जी जो यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अर्कवंशी जी, और बहुत नहीं, समयाभाव है क्योंकि चुनावी कार्यक्रम है, हम आपसे पूछना चाहते हैं टेलीफोन, अपने अपने रिश्तेदारी करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग करोगे। और चुनाव चिन्ह छड़ी संडीला, यहाँ कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है कि है लड़ाई में? नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का हवा तो हमने निकाल दिया है, बोलो निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ अर्कवंशी भाजपा का गुलाम था, गुलाम था कि नहीं था? और वहां से हटा करके जब ला करके खड़ा कर दिया गठबंधन के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट दे तो अच्छा बतावा, के वोट दे तो भाजपा के? ये झूठा कुल चिल्ला थ सर, ये भाजपाई जितना चिल्ला थुअन, इन्हने के पहले वोट ना हो लेकिन बाजा बा, इन्हने के पहले हेलीकॉप्टर बा, इन्हने के पहले रुपया मजे के बा लूटले बा, देश का लूटे हैं कि नहीं लूटे हैं? अरे देश बेच दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, और नारा दिया था, अय गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया, और बेच बेच के रुपया कुल इकट्ठा कर ले हुआ, और वही रुपया के लेके कुल उड़ावत हुआ। लेकिन इनका लोगों का 10 मार्च के ये सोचला, पूर्वांचल की धरती की खबर भी जान लो, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, प्रतापगढ़, आपके महाराजगंज, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, ये सोच लेना। ये बहुत चिल्ला थुआ इधर है, उधरिया जई है न, तो जितना योगी मोदी का ललका साड़ हुआ यह उठा के पटक दी है, कुल खोजत हुआ यही लोग के, हम आने के ना कुछ करे के बा। तो साथी, आपका चुनाव चिन्ह का है? जोर से बोलो चुनाव चिन्ह, जोर से बोलो चुनाव चिन्ह, भाजपा की कर दो खटिया। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज। बहुत धन्यवाद, अरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मंच पर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के MLC राजपाल कश्यप जी, पार्टी के हमारे MLC मिस माउद्दीन साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष RP यादव जी, सुहेलदेव बहुजन सुहेलदेव पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी सुनील अर्कवंशी जी और मनोज
जो मिश्रिक से चुनाव लड़ रहे हैं, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, हसन अम्बी साहब, डॉक्टर अश्विनी सिंह जी, सत्येंद्र कुमार जी, सराफत अली साहब, सरोज यादव जी, चंद्रशेखर गुप्ता, अभिषेक, विनय पांडे, राम नरेश जी, छतपाल, रजुद्दीन साहब, अकील अंसारी जी, राजेंद्र यादव जी, प्रीति चौबे, अमान खान साहब, केडी यादव और बड़ी संख्या में दोनों दलों के सभी नेता और पदाधिकारी, दोनों दलों के सभी नेता पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, छत पे भी लोग हमें बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ जो घर बने दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आवाज न जा रही हो, लेकिन वो लोग दूर से जन समर्थन देख रहे हैं कि क्या जन सैलाब और जन समर्थन दिखाई दे रहा है। बाईं तरफ भी हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और जब से समाजवादी पार्टी के साथ साइकिल के साथ छड़ी आ गई है तो उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। बताओ, साइकिल के संग छड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इधर जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, लगातार जनता समर्थन दे रही है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है। और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओमकार राजवर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव पांचवें, छठे, सातवें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, बोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं।
जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिनके जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। और आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे बीजेपी के, ये जो बीजेपी के नेता जो हैं इनके भाषण सुने होंगे आपने, इनका जो छोटा नेता है, जो इनका छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे हरदोई के लोगों, संडीला के हमारे आसपास के किसान भाइयों, आप में से किसकी किसानों की आय दोगुनी हो गई? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि 22 तक, जब 2022 आएगा तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये किसान भाई भी हैं, किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कितनी की आय दोगुनी हो गई? और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद आपको मिल गई कि नहीं मिल गई? और डीएपी लेने गए तो क्या मिल गई आपको डीएपी? और जब बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे, बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया, और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई बताइए? पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार। आपने देखा होगा जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव का तो ये लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे थूक पर्चे पे लगा करके बांट रहे थे, लेकिन जब जनता की नाराजगी देखी इन्होंने तो अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव ऐसा है
जो न केवल उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा बल्कि हमारे किसानों का नौजवानों का भी भाग्य बदलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। हमारे बीएड टीटी वाले बीटीसी वाले और ये शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। शिक्षा मित्र वालों ने इनको अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी, लेकिन ये लोग भी शिक्षा मित्र वाले लोग भी बीजेपी के चक्कर में आ गए थे। अब तो नहीं हो चक्कर में, ये अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, मैंने इन्हें भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में आपको सम्मान मिला था वो सम्मान लौटाएंगे और आपको परमानेंट नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौकरी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया, और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली हैं। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं, जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है, अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है, इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा है, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए, एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने, इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको, संडीला में नहीं पहुंचा अभी तो बताइए बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते इसलिए आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है,
तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली, लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है। पूरी रखवाली करनी पड़ रही है और जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं कर पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओमकार राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमारे स्वेलदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है, साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हम अपने साथियों को समझा के जा रहे हैं, आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थीं, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया, याद है कि नहीं याद है? और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे, सबने बीजेपी की मदद की कि नहीं की? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप हर चीज को समझते हो। जब संडीला के लोग संडीला का इतना अच्छा लड्डू बना सकते हैं, तो बताओ सरकार नहीं बना लोगे आप? और ये बीजेपी वाले कोई खुशी का मौका नहीं आने देना चाहते हमारे आपके जीवन में कि हम आप लोग संडीले का लड्डू खाएं। बताओ आप समझते हो बात क्यों नहीं समझते हो? ये जो हाथी पे बैठे हैं कहो कहां चले जाएंगे? आप बताओ जो हाथी पे बैठे हैं वो कहां जा सकते हैं? और इनके गुरु कहां हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हाथी पे बैठे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो हाथी पे बैठे हैं उनके गुरु किस पार्टी में बैठे हैं? अगर ये बात समझते हैं तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो, बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। सब लोग गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। मैं हरदोई आके चला गया, हरदोई में वोट मांग लिए थे मैंने, लेकिन मैं संडीला आपके लिए वोट मांगने आया हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। जब सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो बताओ संडीला के जनता हमारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ चली जाए। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और आप पता कर लेना,
अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है? हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए पहलवान कौन खिसे आता है? जो हारने लगता वही खिसे आता है। आप बाबा जी की शकल देखिए, बताओ उनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको प्रधानमंत्री जी ने, याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें, पैदल पैदल जब से हुए हैं तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद लिया उन्होंने। जो जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? इसलिए संडीला के हमारे सभी किसान भाई, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। जब 2012 में आपने जिताया था सरकार बनी थी, याद है कि नहीं? याद है, आपने 12 में जिताया सरकार बन गई, इस बार 22 में जिता दो सरकार आपकी बनने जा रही है। आप आसपास पता कर लो माहौल है पार्टी के पक्ष में कि नहीं, आप मलियाबाद पता कर लो कौन जीत रहा है, और आप पता कर लो शाहजहांपुर में कौन जीत रहा है, आप पता कर लो बरेली में कौन जीत गया, आप पता कर लो इटावा में कौन जीत गया, और कल ही हमने वोट डाला था, अपने हाथ पर साइकिल की बटन दबाई थी, लेकिन आप लोग छड़ी को बटन को दबा करके यहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम कर लो। इसलिए मान लें कि सुनील अरगवंशी जीत के जा रहे हैं और जीत के जाएंगे तो इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। यही सनीला क्षेत्र है जहां पर हम बड़े बड़े कारखाने लाने का काम कर रहे थे। जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे बड़ा कारखाना यहां लगाने का काम समाजवादियों ने किया। ये ऐसा कारखाना है जो पूरे देश में और एशिया में इससे ज्यादा बड़ा उत्पादन कोई नहीं कर पा रहा है, वो यहां पर बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं ये संडीला में हम जहां कारखाने लाएंगे वहीं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बनाएंगे कि जो हमारे नौजवान है 10वां पास 12वां पास या कोई और डिग्री कर लिए उन्होंने, उनको वहां पर ट्रेनिंग करा करके कम से कम 6 महीना 3 महीने की ट्रेनिंग करा करके उन्हें यहीं पर नौकरी और रोजगार दिला दें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर चीजें बदली हैं, इधर चीजें बदल गई हैं, हमारे नौजवान जानते होंगे कि चीजें बदल चुकी हैं। आज मोबाइल से सब जानकारी हासिल है, तमाम लोग इसके माध्यम से कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे उद्योग इससे लाभ उठा रहे हैं। आज हर चीज मोबाइल पे चली जा रही है और मोबाइल के माध्यम से हम सूचना हासिल कर ले रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, और पहले भी किया था समाजवादियों ने, आप लखनऊ में जाकर के देख लें, SCL का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकर के आए, वहां पर बड़े बड़े
जो पढ़े लिखे हैं, जो लाखों लाख महीने की नौकरी पाते हैं, वो आज वहां लखनऊ में ट्रेनिंग कर करके औरों को ट्रेनिंग दे करके रोजगार दे रहे हैं। इसलिए आईटी के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, काम करने के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, इधर लैपटॉप मोबाइल चीजें बदल गई हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को अच्छे रोजगार के लिए अगर हमें 22 लाख नौजवानों को आईटी से के सेक्टर में नौकरी देनी पड़ेगी तो अपने नौजवानों को भविष्य को बेहतर करने के लिए 22 लाख कंप्यूटर से जुड़ी रोजगार नौजवानों को दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग जरूरत है, पढ़ाई के बाद अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। आज के जमाने में हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए सनीला इंडस्ट्रियल एरिया को और बड़ा कर करके और कारखाने उद्योग लगाने का काम करेंगे और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे कि अगर हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर लें और फैक्ट्री के लोगों को कैसी नौकरी की जरूरत है उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके उन फैक्ट्री में उनको नौकरी और रोजगार मिल जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे कि नहीं करोगे? हमारे सुनील की भी मदद कीजिए और हमारे मनोज हैं इनकी भी मदद कर रहा हूं। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपए दे रहे थे पेंशन, इस बार 1500 रुपए महीना और साल के 18000 रुपए पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अपनी बेटियों पढ़े लिखे बहनें पढ़े लिखे इनको 12वीं का पास हो जाएंगी तो 36000 रुपए देंगे। ये समाजवादी सरकार की हमारी योजना है। वहीं जो हमारे गरीब किसान हैं उन्हें खाद और डीएपी भी मुफ्त देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए 1 लीटर महीना पेट्रोल देना पड़ेगा और डीजल भी वो देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे पुलिस के लोगों का भी काम करने का माहौल ठीक हो, इनको भी बहुत सारी सहूलियत देने का काम किया है। आने वाले समय में 100 नंबर जो थी, जो बाबा जी ने 112 कर दी है, अगर इसको भी सुधारना पड़ेगा तो पुलिस हमारी समय पर गांव पहुंच जाए, समय पर मदद के लिए पहुंच जाए। हमें 100 नंबर अगर गाड़ियां बढ़ानी पड़ेंगी तो गाड़ियां बढ़ा करके कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस की भी मदद करने काम समाजवादी सरकार में होगा। ये एम्बुलेंस, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल ऐसे नहीं है जहां इलाज हो जाए, कई बार गरीब बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम अस्पताल को भी अच्छा करेंगे और वहीं एम्बुलेंस की भी संख्या 2 गुना करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। गांव में जाकर के एम्बुलेंस पहुंच जाए और उसे जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। ये सड़कें चौड़ी होना शुरू हो गई थी, ये लखनऊ से हरदोई होकर के चौड़ी सड़क बनी है। बाबा मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस वे का सपना दिखाया है, पता नहीं कहां से लेकर के जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरदोई को और संडीला को अगर हमें विशेष रूप से योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा तो विकास की योजनाओं से आपको जोड़ करके संडीला और हरदोई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, छड़ी को जिताइए। बताओ वोट डालोगे छड़ी पे कि नहीं, और जो हाथी पे बैठे उन्हें समझाओगे कि नहीं समझाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, समझाना जरूर। कोई बोर्ड खराब नहीं होना चाहिए आपका, बोर्ड तो नहीं खराब करोगे? जिसकी सरकार बन रही उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और उनके गुरु हैं जानते हो बीजेपी में, इसलिए हमारी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।